हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 500 mm का केबल ट्रांसमिशन कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग के पास है एल्बो वाला किट, देख रहे हो गाइस, ये एक आर्मी है। इसमें हम लोग ट्रांसमिशन कैसे करते हैं मैं दिखा दूंगा। सबसे पहले तो आप लोग को पूरा नट बोल्ट खोल लेना है, एक कवर खोलने के लिए। इसलिए ये अभी मैं ओपन किया ना, ये लॉक अनलॉक है गाइस। ये अंदर डालेगा तो ओपन होएगा, बाहर निकालेगा तो लॉक होएगा। ये ऑन ऑफ करने के लिए इसको अर्थन में डालेगा इतना गाइस, तभी कवर ओपन होएगा। ठीक है, इसलिए अर्थन में पहले से है, इसका लॉक भी अंदर डाल दिया है। कवर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कवर ओपन करने के बाद हम लोग का अंदर का 17 का एक नट आता है, एक क्लैंप है, एक प्लेट है, वो खोलना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग केबल प्रिपेयर करके केबल ट्रांसमिशन कर देते। ठीक है गाइस, मैं आज एल्बो वाला एल्बो, ठीक है, ये एमुना डेंसन कंपनी का एल्बो किट है गाइस, इसका हम ट्रांसमिशन करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देख लेना कैसे काम करते हैं, कैसे आप लोग आसानी से ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें गाइस मैं पहले वाला वीडियो में बताया था सेम प्रोसेस है, इसका फाइल थोड़ा अलग है। ठीक है, फाइल और इसका बूस अलग होता है, जो एंगल बूट होता है गाइस, एंगल बूट और ये एल्बो ट्रांसमिशन में थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो गाइस नीचे का प्लेट खोलना पड़ेगा। नीचे का प्लेट खोल के हम लोग ऊपर का 17 का नट होता है क्लैंप है, वो खोलना पड़ेगा। ठीक है, ये खोल के रेडी कर दिया गाइस। उसके बाद हम लोग केबल थोड़ा प्रिपेयर कर देते हैं। केबल प्रिपेयर करने के बाद हम लोग उसके बाद आगे बढ़ लेंगे। ठीक है गाइस, मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरा वीडियो आप लोग कैसे लगता है मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मैं काम करते हुए वीडियो बनाता हूँ कभी भी। ठीक है, इसलिए मैं रोज़ रोज़ वीडियो बना नहीं पाता हूँ। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि गाइस मैं आप लोग को अच्छा वीडियो बना के दे दूँगा, क्योंकि मेरा हिंदी भी थोड़ा अच्छा नहीं है और काम करते हुए वीडियो बनाना पड़ेगा गाइस। मेरे को ये टूल्स वगैरह हो गया, ये इसका भी थोड़ा इसका टूल्स मटेरियल वगैरह का नाम नेम होता है ना गाइस, वो थोड़ा अच्छे से मालूम भी नहीं है, फुल मालूम नहीं है मेरे को। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग को जो प्रिकोट मारते हो जो क्लैंप है, क्लैंप से थोड़ा ऊपर, ठीक है, थोड़ा ऊपर तक इसको एक जैकेट है, पिप्स जैकेट है, वो निकाल देना है। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखने का, ये जैकेट निकालने का टाइम अंदर केबल में नाइफ आपको लगाना नहीं है। ठीक है, मैं जैकेट निकाल दिया, उसके बाद एक सफेद वाला रस्सी है उसको वो कटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आर्मर को जो लड़की का एक बाल होता है, लड़की का वो चुल्ठी बोलता है, उसको सेम हम लोग चुल्ठी बनाता है ना गाइस, वैसे ही आर्मर को कर देना है। मैं पहले वाला वीडियो में आपको सिखाया भी था। ठीक है, प्रोसेस वही है गाइस। ठीक है, बेरकोट वगैरह पूरा वही है, लेकिन इसका फाइल मेजरमेंट थोड़ा अलग है। ठीक है, ये रस्सी सेफ्टी के लिए आता है गाइस, ये रस्सी तीनों तरफ का रस्सी कटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, रस्सी कटिंग करने के बाद हम लोग को आर्मर को सिंगल सिंगल कोर में आर्मर को निकाल देते हैं। आर्मर को निकालने के बाद हम लोग को रेड येल्लो ब्लू, ठीक है, रेड येल्लो ब्लू का रिबन होता है गाइस इसमें कलर के लिए, इसको बाद में हम टेप भी मार सकते हैं, बाद में हम वाइटनर से कलर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर गाइस जितना आप लोग सेफ्टी में काम करोगे उतना अच्छा है। आप लोग को ग्लव्स, हेलमेट, नाइफ वगैरह और सेफ्टी जैकेट पहन लेना चाहिए, क्योंकि मैं अभी पहना नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि गाइस ये प्राइवेट काम है, इसमें ज़्यादा वो मुश्किल नहीं था, लेकिन आप लोग बाहर काम करने के लिए जाओगे तो आप लोग को पूरा पूरा का पूरा सेफ्टी में काम कर लेना है। ठीक है, अभी नमाज का टाइम हो गया गाइस, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुश्किल नहीं। तो गाइस अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सिंगल सिंगल आर
सिंगल सिंगल कोर होता है, इसको हम लोग अलग करके हम लोग ब्रेकआउट मारने वाले हैं। ठीक है, ब्रेकआउट मारने से पहले थोड़ा नीचे तक आर्मोर को छिल के, ठीक है, आर्मोर को थोड़ा नीचे तक छिल के एक जाली आता है गाइस, स्क्रीड में जाली से लपेट देना है। ठीक है, मैं आगे बता देता हूँ। तो गाइस इस तरह का होता है, देख रहे हो, इस तरह मैं छील लिया पूरा प्रिपेयर करने वाला हूँ इसको। आर्मर को अभी नीचे ले गए, थोड़ा आर्मर घुमा देना है, देख रहे हो, इसका ऊपर जाली लगा देना है, जाली लगा के हम लोग ब्रिगेड अंदर घुसा देना। ठीक है, इस तरह के करेगा तो आप लोग के लिए थोड़ा अच्छा होएगा, दिखेगा भी अच्छा। ठीक है, इसका अंदर जाली लगा दिया, बाहर से टेप लगा दिया, इसका अंदर ये ब्रिगेड घुसा दिया, देख रहे हो, आर्मर भी चुल्ठी का तरह बनवा दिया है। ठीक है, इस तरह से घुसा देगा, हम लोग को आगे गैस मारना पड़ेगा। इसका बाहर से दो पीवीसी ए जाकेट है, वो क्लैंप पे लगाएगा तो आप लोग को सेफ्टी के लिए थोड़ा अच्छा होएगा। ठीक है, मैं आप लोग को वीडियो में आप लोग देखता रहे, मैं इस वीडियो में पूरा बता लूँगा। ये वीडियो गाइस लंबा होने वाला है। तो गाइस सिंगल सिंगल कोर बैन करके हम लोग ने फाइल के रेडी कर दिया। इसका फाइल था 19 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो एल्बो है, यमुना डेंशन का एल्बो साइज का, इसका फाइल था 19 सेंटीमीटर। जो लक्स का ऊपर जितना तक केबल जाता है उसका नीचे से 19 सेंटीमीटर तक इसका फाइल मारना पड़ेगा। ठीक है, और 2 सेंटी नीचे इसका रेखा में, और बात पे तो बूस्ट घुसाने के लिए वही हिसाब से आप लोग को जो अंदर का एक ब्लैक वाला सेफ्टी होता है बूस्ट का अंदर, उतना तक आप लोग को घुसा देना पड़ेगा। ठीक है, देख रहे गाइस मैं इस तरह का रेडी कर दिया। आप लोग को केबल अच्छे से बैंड करेंगे तो आप लोग के लिए जितना हो सके केबल अच्छा भी देखेगा, आप लोग के लिए काम करने के लिए भी सही भी होगा। देख रहे गाइस इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है कि गाइस इसमें फाइल, ठीक है, फाइल आप लोग जितना अच्छे से मारोगे उतना अच्छे से आप लोग को टर्मिनेशन अच्छा होएगा, क्योंकि फाइल थोड़ा भी अंदर जाएगा तो गाइस आप लोग के लिए ये टर्मिनेशन हो गया, जॉइंट हो गया, पूरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये गाइस अभी नाइफ है, आप लोग को आराम से है ना गाइस अच्छे से मारना पड़ेगा। देख रहे हो, ये बाहर का सेमी कंडक्टर निकालने के लिए आप लोग को नाइफ अच्छे से मारना पड़ेगा। अभी मैं इसका अंदर का जो जो सामान आता है वो दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये गाइस, ठीक है, ये एल्बो, इसको एल्बो साइज बोलता है, एल्बो टर्मिनेशन, इसका अंदर बूस होता है, बाहर से एक इंसुलेटेड एक बूस होता है, रेकम हो गया, ग्रीस हो गया और पेपर हो गया। आप लोग को पेपर भी इसमें आता है गाइस, आप लोग को टर्मिनेशन करने के लिए इसमें पेपर भी मेजरमेंट दिखा रहा है, और स्टेप टू स्टेप आप लोग काम कैसे कर सकते हो इसमें पूरा दिखाता है। ठीक है, इसमें ग्लव्स आता है गाइस, और जाली हो गया, और वो ग्रीस हो गया। ठीक है, ये पेपर में देख रहे गाइस जितना भी सामान दिखा रहा है इसमें पूरा सामान आता है, इंसुलेशन टेप हो गया गाइस। ठीक है, इसमें कंपाउंड हो गया, इसमें रेकम पूरा आता है गाइस, पहले का सेमसेम है। ठीक है, अब हमने फाइल भी मार दिया, और हमने देख रहे गाइस इसका फाइल से 2 सेटी नीचे ये रेड वाला रेकम है, ये भी मार दिया, और ऊपर से हम लोग ने लक्स के लिए वो एक्सलिफी भी निकाल दिया, और इसका नट अलग होता है गाइस। ठीक है, इसका नट चेंज करना पड़ेगा, जो आर्मी का ऊपर लगा होता है इसका नट बोल्ट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को नट बोल्ट चेंज करेगा तो आप लोग को बाहर का एक इंसुलेटर बूस आता है गाइस, वो आप लोग को बाद में लगाने के लिए अच्छा होएगा। ठीक है, ठीक है, देख रहे गाइस बूस हमने घुसा दिया है, अब हमने लक्स घुसा के पंच मारना पड़ेगा। ठीक है, देख रहे हो, और लक्स घुसा के पंच मारने के बाद आप लोग एल्बो वाला बूस होता है वो घुसा सकते हैं। ठीक है, देख रहे हो गाइस नीचे हमने एक पीवीसी सेफ्टी लगा दिया है, आप लोग को लक्स पंच मारने का टाइम एक गैप होने का गाइस। ठीक है, जो एक्सेल फी है और ये ऊपर का लक्स है इसमें गैप थोड़ा भी गैप होने का गाइस। ठीक है, टच हो जाएगा तो आप लोग को बाद में हीट होगा, आप लोग का बाद में ये बूम हो जाएगा गाइस, ये
आप लोग का ट्रांसमिशन ख़राब हो जाएगा। इसका अंदर देख रहे हो, अभी हमने ये घुसा देना है, उसके बाद में ये लगा देना है। ये घुसा के हम लोग को टाइट करके बाद में वो जो अभी मैं दिखाया इंसुलेटेड बुश वो घुसा देना है। ठीक है।